विश्व महिला दिवस के अवसर पर रोहतास जिला में विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजित किया गया। शिक्षण संस्थाओं सहित सामाजिक संस्थाओं ने विश्व महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। वहीं जिला प्रशासन रोहतास और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वावधान में न्यू स्टेडियम फजलगंज में भी खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एथलेटिक्स और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों अनुमंडल के एथलीट और टीमों ने हिस्सा लिया। एथलेटिक्स में विनय कृष्ण और कबड्डी में मनोज कुमार संयोजक बनाए गए और खिलाड़ियों और टीमों को अंत में पुरस्कृत भी किया गया। महिला दिवस के अवसर पर कला संस्कृति विभाग द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है महिलाओं के लिए। महिला दिवस आज है और कबड्डी और एथलेटिक्स की जो स्पर्धा हो रही है वो महिला दिवस के अवसर पर हो रही है, खास करके महिलाओं के लिए, और इसके बाद अंत में हम लोग पुरस्कार वितरण करेंगे महिला खिलाड़ियों को। आज पूरे भारत में महिला दिवस मनाया जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज के डेट में महिलाओं को स्थान मिला है जो मिलना चाहिए? हाँ, मिला है। पहले के मुताबिक आज तो बहुत सी चीज़ बदल गई हैं। पहले लोग लड़कियों को मतलब बाहर नहीं जाने देते पढ़ने के लिए, आज तो सारे लड़के जा भी रहे हैं, गांव-गांव में भी स्कूल खुल गए हैं। लड़कियों को बहुत सारी छूटें मिल रही हैं। लड़कियाँ आजकल आगे चल रही हैं, खेल हो या कोई शिक्षा हो या कोई चीज़ एजुकेशन के मामले में आज सब लड़कियाँ सब कुछ में आ गए हैं। आपका नाम क्या हुआ? हरेश्वरी कुमारी।